हेलो दोस्तों, वेलकम टू ह्यूमर मैनियक्स। आज हम बात करने वाले हैं आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्रो मॉडल्स के बारे में। एप्पल ने 12 सितंबर को आईफोन 15 के सारे मॉडल्स को लॉन्च कर दिया है और अब सारे के सारे आईफोन 15 मॉडल्स में आपको डायनेमिक आइलैंड स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। डायनेमिक आइलैंड की शुरुआत आईफोन 14 प्रो मॉडल से हुई थी, जहाँ पे एप्पल ने अपने नॉर्मल नोच डिजाइन से हटके कुछ किया था और ये डायनेमिक आइलैंड देखने में बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि इसमें आप अलग अलग एप्स की नोटिफिकेशन देख सकते हैं और अगर आप एक्टिव म्यूजिक लिसनिंग कर रहे हैं या फिर आपके पास मैप्स ऑन है या फिर आपने अगर कोई नोटिफिकेशन लगा रखी है तो सारी डिटेल्स आपको ये डायनेमिक आइलैंड के अंदर देखने को ही मिल जाती है। या फिर अगर आप कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी भी देख रहे हैं तो वो भी आपको डायनेमिक आइलैंड में देखने को मिल जाती है। ओवरऑल इससे आईफोन की लुक्स काफी बेहतर हो गई है। अब आईफोन 15 में सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिससे कि पिक्चर क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई है। अगर आप मूवीज देख रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं तो आपको एक बहुत ही बेहतरीन पिक्चर क्वालिटी मिलने वाली है। अब आईफोन 15 के साथ 2000 निट्स तक आपको ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जिससे कि आपका जो वेबसाइट ब्राउजिंग एक्सपीरियंस है या फिर चैटिंग एक्सपीरियंस है, गेमिंग एक्सपीरियंस है या अगर आप मूवी देख रहे हैं किसी सनी डे में तो आपको देखने में पिक्चर क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन महसूस होने वाली है। साथ में आईफोन 15 में काफ़ी नए कलर ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें कि एक न्यू पिंक शेड आईफोन 15 के साथ आई है, उसके साथ में एक लाइट येलो शेड, लाइट ग्रीन शेड, लाइट ब्लू शेड और ब्लैक कलर में भी आपको आईफोन 15 देखने को मिल जाता है। कलर ऑप्शन में से आपको कौन सा फोन देखने में सबसे बेहतरीन लग रहा है, जाके जल्दी से जाके कमेंट करें। आईफोन 15 के साथ में आपको एक सेरेमिक स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को अभी काफी इंक्रीज कर देती है। तो आईफोन 15 आप जल्दी से बताइए कि कैसा लग रहा है आपको देखने में। आईफोन 15 के अंदर काफ़ी सारे रिसाइकल्ड मटेरियल्स को यूज़ किया गया है, इसमें 75% रिसाइकल्ड एल्यूमिनियम आपको देखने को मिलता है, 100% इसमें रिसाइकल्ड कोबाल्ट देखने को मिलता है, ऐसे ही इसमें 100% रिसाइकल्ड कॉपर भी देखने को मिलता है, जो कि एप्पल की डीकार्बनाइज मिशन की तरफ एक स्टेप है। अब हम कैमरा के ऑप्शंस की बात कर लेते हैं तो इसमें 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, इसमें जिसमें कि 26 mm की फोकल लेंथ मिला आपको देखने को मिलती है, 2 माइक्रोमीटर क्वाड पिक्सल देखने को मिलती है, 100% फोकस पिक्सल, 1.6 अपर्चर और सेंसर शिफ्ट OIS टेक्नोलॉजी आपको देखने को मिलती है। तो इससे पिक्चर क्वालिटी काफ़ी इंप्रूव हो गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो माइनर माइनर पिक्सल्स हैं अब उन पिक्सल्स को अब जोड़ के बड़ा एक पिक्सल बन रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि कितने फ्रेम्स में आपको फोटो क्वालिटी देखने को मिलती है, जिसके कि इसकी जो ओवरऑल पिक्चर क्वालिटी है अब वो काफ़ी बेहतरीन हो गई है और आप लो लाइट में भी काफ़ी अच्छे पिक्स अपने आईफोन से क्लिक कर सकते हो। इसमें आपको 2x तक जूम भी मिल जाता है। इसमें जो सेकंड कैमरा है वो 12 मेगापिक्सल का मिलता है, जिसकी आप टेलीफोटो भी ले सकते हैं। यहाँ पे आप वो देख रहे हैं कि तीन अलग अलग जूम ऑप्शंस के साथ इमेजेस ली गई हैं, लेकिन कोई भी इमेज ब्लर नहीं हुई है यहाँ पे। आईफोन 15 में आपको काफी अच्छी वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। नया आईफोन 15 के साथ अब नेक्स्ट जनरेशन पोर्ट्रेट्स भी आ गए हैं, जिससे कि पोर्ट्रेट मोड भी आपको काफ़ी अच्छी फोटो देखने को मिलेगी। इसमें ऑटोमेटिकली शेडो रिमूव हो जाती है, साथ में ही आपको फोकस एंड डेप्थ भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मिलने वाली है अपने फोटोज़ के अंदर, जिसकी वजह से जो पिक्चर क्वालिटी वो काफ़ी इंप्रूव हो गई है और पोर्ट्रेट मोड में आप देखेंगे तो पिक्चर आपको काफ़ी निखर के आएगी। ये सारी फीचर्स थी आईफोन 15 की। अब हम बात करते हैं आईफोन 15 की परफॉर्मेंस की। तो आईफोन 15 के साथ में आपको मिलने वाली है A16 बायोनिक चिप। तो A16 बायोनिक चिप जो लास्ट ईयर आईफोन 14 प्रो मॉडल्स में आ रही थी, वो अब हमें आईफोन 15 में देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे अब ज़्यादा अच्छी आपको इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग देखने को मिलती है। 15 में अब आपको न्यूरल इंजन देखने को मिलता है, 5-कोर GPU यूनिट देखने को मिल जाती है, जिससे कि आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। इसके साथ ही इसमें 6-कोर CPU यूनिट मिलती है, जिसमें कि 2 हाई परफॉर्मेंस कोर्स आपको देखने मिलती है और 4 एफिशिएंसी कोर्स आपको देखने को मिलती है। इसमें आपको ऑल डे बैटरी लाइफ भी देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की। तो अब आईफोन टू आईफोन कनेक्टिविटी काफ़ी इजी हो गई है, आप इजीली एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन में फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसके साथ आपको अल्ट्रा वाइड बैंड टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, जिसमें कि आप इजीली लोकेट भी कर सकते हैं किसी को, वो भी बिना किसी मैप्स के। ये काफ़ी बेहतरीन फीचर आईफोन 15 में आपको देखने को मिल जाएगी। आईफोन 15 के साथ में आपको रोड साइड असिस्टेंट वाइज सेटेलाइट भी देखने को मिलेगा, जो फीचर अब तक आईफोन 14 प्रो में देखने को मिलती थी। USA में ये फीचर ट्रिपल कैरियर के साथ आपको देखने को मिल जाती है। 2 साल तक आपको फ्री मिलने वाली है, उसके बाद ये सर्विस के लिए आपको पे करना पड़ेगा। अब सारे एप्पल प्रोडक्ट USB-C टाइप पोर्ट के साथ आने वाले हैं, तो USB-C
टाइप पोर्ट के साथ में आप चार्जिंग कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, या ऑडियो या वीडियो ट्रांसफर कर सकते हैं। ये अब सब भी एप्पल प्रोडक्ट्स पे अप्लाई होगा, जिसमें कि एप्पल मैकबुक, आईपैड, आईफोन सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, या फिर आपके एयरपोर्ट्स है, या फिर आपके हेडफोन्स हैं जो कि सी टाइप के साथ में आते हैं, इन सब पे ये सब कुछ एप्लीकेबल होने वाला है। आईफोन 15 के साथ आपको मैगसेफ मिलने वाला है, जैसे कि वायरलेस चार्जिंग भी अब आईफोन 15 के अंदर आप कर सकते हैं। आईफोन 15 के साथ में आप लेदर के, जैसे कि पहले लेदर केस आता था, वो अब लेदर केस नहीं मिलने वाला है। आईफोन 15 के साथ में आपको एक अलग कवर आप देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू आप वायरलेस चार्जिंग भी कर सकते हैं और मैगसेफ को भी इजीली कनेक्ट कर सकते हैं वहां पे। तो ये सारी फीचर्स हमें देखने को मिलने वाली है आईफोन 15 के साथ में। तो जल्दी से बताइए हमें आईफोन 15 आपको कैसे। आईफोन 15 का प्राइस भी रिवील कर दिया गया है। आईफोन 15 128 GB वेरियंट आपको $799 का देखने को मिल जाता है, और प्लस वेरियंट आपको $899 का देखने को मिल जाता है 128 GB के लिए। आईफोन 15 प्रो में भी इस पर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। सबसे बड़ा चेंज इसमें जो किया गया है वो है टाइटेनियम बॉडी। तो अभी लास्ट ईयर फोन की तरह यहाँ पे एल्यूमिनियम बॉडी नहीं यूज़ की जा रही है, और टाइटेनियम का यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसकी वजह से एक फ़ोन काफ़ी अब लाइट वेट हो गया है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी मैट फिनिश में फिनिशिंग दिखाई देगी, तो आप ये फोन काफी ज्यादा हैंडी हो गया है और इसका वेट भी काफी कम हो गया है, तो आपको ये डिफरेंस आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो बॉर्डर्स है वो भी काफी थिन हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी थिन बेजल्स यूज किए गए हैं, तो आपको स्क्रीन एरिया काफी ज्यादा देखने को मिलेगा आईफोन 14 प्रो के साथ में। तो ये एक मेन फीचर है जो कि डिफरेंट है आईफोन 15 एंड आईफोन 15 प्रो के साथ में। यहाँ पे ग्रेड 5 टाइटेनियम यूज किया गया है, जो काफी स्ट्रोंग है, काफी ड्यूरेबल है, काफी लाइट है। आईफोन 15 प्रो में आपके 4 कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें एक ब्लैक शेड है, एक ब्लू शेड है, एक स्पेस ग्रे है, और एक सिल्वर शेड में आपको आईफोन 15 प्रो देखने को मिल जाता है। आईफोन 15 प्रो 100% रिसाइकल्ड प्रोडक्ट से बना है, जिसमें कि रिसाइकल एल्यूमिनियम यूज किया गया है, और इसके साथ ही इसमें एक नई चीज हमें देखने को मिल जाती है, वो है एक्शन बटन। तो अभी जो ट्रेडिशनल म्यूट स्विच है उसको हटा दिया गया है आईफोन 15 प्रो से, और उसकी जगह पे यूज किया गया है एक नया एक्शन बटन। एक्शन बटन पे आपको काफी सारे फीचर्स लगा सकते हो, यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो, या डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा सकते हो, यहाँ से आप टॉर्च ऑन कर सकते हो, या आपके पास बहुत ही सारी वैरायटीज हैं जो आप यहाँ से कर सकते हो एक्शन बटन के थ्रू। तो एक्शन बटन एक काफी अच्छी फीचर की गई है आईफोन 15 प्रो में, जो कि आईफोन 15 में आपको देखने को नहीं मिलती है। एक्शन बटन के थ्रू आप कोई भी शॉर्टकट लगा सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी ऐप ओपन करने में बहुत ही इजी होने वाला है। आईफोन 15 प्रो के साथ में आपको डायनेमिक आइलैंड, प्रो मोशन, ये सारी चीजें भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको एक्सट्रीम डायनेमिक रेंज भी देखने को मिलती है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो जिससे कि आपकी जो यूजेबिलिटी है आईफोन 15 प्रो की वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें परफॉर्मेंस वाइज भी काफी अच्छा काम किया गया है एप्पल के थ्रू। यहाँ पे किसी भी स्मार्टफोन में सबसे एडवांस्ड A17 चिप यूज की गई है, और इसमें 6 कोर CPU देखने को मिलता है, जो इसकी परफॉर्मेंस को काफी अच्छे तरीके से बढ़ा देता है। इसमें 2 हाई परफॉर्मेंस कोर देखने को मिलती हैं, और इसमें जो CPU हमें देखने को मिलता है वो क्लेम किया जा रहा है कि वो सबसे फास्टेस्ट है मोबाइल में। इसके अंदर 4 एफिशिएंसी कोर्स भी हमें देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी परफॉर्मेंस को काफी इम्प्रूव करते हैं। न्यूरल इंजन में यहाँ पे 16 कोर्स मिलती है, जो कि 2x फास्टर हो गई है अभी, और 35 ट्रिलियन यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको डेडिकेटेड इंजन्स देखने को मिलते हैं, जो आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस, मूवी एक्सपीरियंस को काफी अच्छा बनाते हैं। USB 3 पोर्ट आपको यहाँ देखने को मिल जाता है, जिसमें कि 10 GB/s की ट्रांसफर की जा सकती है। अब ये ट्रांसफर 20x ट्रांसफर ज्यादा हो गई है। यहाँ पे GPU यूनिट काफी बेहतरीन आपको देखने को मिलती है, तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस डेफिनेटली काफी अच्छा होने वाला है। आईफोन 15 प्रो के साथ में आपको प्रो क्लास GPU मिल जाता है, जिसमें कि 6 कोर्स मिलती है। अभी जो GPU यूनिट हमें यूज की गई है वो 20% फास्टर है अर्लियर चिप से, तो इसकी वजह से एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाती है, और इसमें मैश शेडिंग यूज की गई है। आईफोन 15 प्रो के साथ में आपको रे ट्रेसिंग देखने को मिलने वाली है। आप ये देख सकते हैं कि विदाउट रे ट्रेसिंग एक गेमिंग स्क्रीन आपको कैसे देखने को मिल रही है, और आप विद रे ट्रेसिंग आप देख सकते हैं कितनी ही बेहतरीन ये लग रही है। तो आप विद रे ट्रेसिंग आपको ये स्क्रीन मिलने वाली है 30 FPS
IPS पे। ये आपकी आपको हार्डवेयर एक्सेलेरेटेड रे ट्रेसिंग मिलने वाली है आईफोन 15 प्रो मॉडल के साथ में, जिससे कि आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाने वाला है। और ये जो रे ट्रेसिंग है ये 4x फास्टर है प्रीवियस मॉडल की कंपैरिजन में। तो आप गेमिंग के अगर आप लवर हैं या फैंस हैं तो आप गेम्स बहुत अच्छे से खेल सकते हैं आईफोन 15 प्रो पे, चाहे वो रेसिंग गेम्स हो या फिर आप BGMI मोबाइल इंडिया खेल रहे हो। तो ये सारी गेम्स इस पे खेलने में काफ़ी ही इंटरेस्टिंग आपको लगने वाले हैं और काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है आईफोन 15 प्रो पे। तो यहाँ पे आपको जो गेमिंग का एक्सपीरियंस है A17 प्रो चिप के साथ में बहुत ही अच्छा देखने को मिलने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं आईफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। तो यहाँ पे एक 48 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलने वाला है, एक 12 मेगापिक्सल का 3x टेलीस्कोप कैमरा आपको देखने को यहाँ पे मिल जाने वाला है, और इसके साथ में ही आपको यहाँ पे 5x ऑप्टिकल जूम मिल जाता है एट 120 मिलीमीटर, जिससे कि इसकी जो जूम की कैपेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और आपको काफ़ी अच्छी अच्छी पिक्चर्स देखने को मिल जाती है, और ये इमेजेस जो हैं आपकी ब्लर भी नहीं होती है। तो ये आपका काफ़ी ही बेहतरीन कैमरा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है आईफोन के अंदर। अभी आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे 122 मिलीमीटर की क्या मतलब होता है इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो यहाँ पे आपको एक न्यू टेक्निक देखने को मिलती है जिसमें कि रे ट्रांसफर करती है और मल्टीपल रीजन से होते हुए रिफ्लेक्ट करते हुए सेंसर पे पड़ती है, जिसकी वजह से इसकी एफिशिएंसी अब काफ़ी इम्प्रूव हो गई है। iPhone 15 Pro के कैमरा सेटअप के साथ में आपको 10,000 माइक्रो एडजस्टमेंट पर सेकंड देखने को मिलती है। यहाँ पे एक 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी मिलता है iPhone 15 Pro के साथ में, जिससे जो इसकी इमेजेस की क्वालिटी है डिफरेंट जूम लेवल्स में वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। आप यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल देख रहे हैं जहाँ पे कि अलग अलग पिक्चर्स ली गई हैं अलग अलग जूम लेवल्स पे, और इमेजेस की क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन आ रही है, कहीं पे भी हमें ब्लर इमेजेस देखने को नहीं मिल रही है। तो आईफोन 15 प्रो के साथ में कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो गई है। इसके साथ ही आईफोन 15 प्रो में USB-C पोर्ट देखने को मिलता है। अब यहाँ पे आप 4K वीडियो शूट कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकेंड और 60 फ्रेम पर सेकेंड में। स्पेशल वीडियो क्रिएट करने का भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि आपकी जो वीडियोस की क्वालिटी है अब वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो गई है। iPhone 15 Pro के साथ में आपको टाइटेनियम फ्रेम देखने को मिलता है। अब हम लिस्ट डाउन करने जा रहे हैं सारी फीचर्स जो कि iPhone 15 Pro के साथ आपको देखने को मिलती है iPhone 15 Pro की। अब हम बात करते हैं प्राइजेस की। तो iPhone 15 Pro का प्राइस जो लास्ट ईयर का प्राइस है, iPhone 14 Pro का प्राइस वही सेम रखा गया है 999 for 128 GB वेरियंट, और iPhone 15 Pro Max का प्राइस रखा गया है 1199 for 256 GB वेरियंट। और यूएसए में इसके लिए एक और ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहाँ पे आप $1000 ऑफ ले सकते हैं ट्रेड इन करके, और प्री ऑर्डर इसके स्टार्ट हो जाएंगे इस फ्राइडे से, और 22 सितंबर से आईफोन आपके लिए अवेलेबल होगा परचेज के लिए। iCloud Plus के साथ दोनों पैकेजेस लॉन्च हो गए हैं, 60GB स्टोरेज एंड 12GB स्टोरेज। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे सारा आईफोन लाइनअप और सारे उनके प्राइसेस। ये प्राइसेस आईफोन की वेबसाइट पे भी अपडेट हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और जल्दी से जाके ह्यूमर मैनिएक्स को सब्सक्राइब करें।